बाकी इधर अपन को और जमीन डलेगी इसमें। इधर देखो जो साइन खड़ी हुई है अपनी, ट्रैक्टर आने वाले हैं, बहुत आगे खड़ा हुआ है। ये देखो लाइट चालू करने लगे, मैंने ये इतना आगे खड़ा हुआ है। बाकी अपने जो गेट है उनकी हाइट और बढ़ जाएगी, जो जो सरियाँ लगे ना ये ऊपर तार वहाँ पहुँच जाएगी जो ठुकाई वाली ये वाला पट्टा। तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और अभी मैं हूँ खले में और सामने देख रहा हूँ अपना ट्रैक्टर खड़ा 53 जो कि लगा है कल्टीवेटर में अपने 7 टाइम्स वाले में। और ये रखी अपनी सिडिल जो कि है नई वाली। ये दोनों सामान वहाँ पर रखे थे वो जगह पर, लेकिन उसको हमने पीछे ले आए क्योंकि इधर का जो गैरेज है ना अपना, इधर जॉनडियर खड़ा होता है उसके अंदर वाला जो रूम है जिसमें सामान पड़ा है उसके साइड वाला जो रूम है उसमें भूसा पड़ा है। और जॉनडियर के साइड में गाड़ी खड़ी होती है और उसके साइड में है अपना जैसे कोठी रखना और ग्रेडिंग मशीन ऐसे सामान पड़ा है। एक सिडिल ये खड़ी एक वो है और एक ऐसे पूरा सामान इधर खले में ही रखे हैं अपने पूरे। एक अपनी ट्राली है बस, ये जॉनडियर वाली ट्राली वो कि वो उस पंखा दिख रहा ना उसके साइड वाले उसमें शटर वाले में रखा है वो, इसलिए क्योंकि वो भरी हुई है अभी ट्राली। बाकी ये सामान हमने इसलिए लेके आए पीछे क्योंकि अपना जो ये वाला हिस्सा है ना ये वाला, पहले तो मैं एक बार बाउंड्री चेक करा देता हूँ कितनी क्या होगी, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का। तो भाई ये अपनी बाउंड्री, ये है अपना इधर वाला कोना, लास्ट कोना, ये देख रहा किधर से किधर बता रहा हूँ मैं, ये वाला कोना इसमें हो चुका इधर साइड पलस्तर। देखो एक मिनट सब गेहूँ ऑन कर दिए, ये देखो ये इस साइड हो चुका पलस्तर, दिख रहा कि नहीं जाएगा, नहीं दिख रहा। इधर पूरा कंप्लीट हो चुका जहाँ से वहाँ तक देखो, ये थोड़ी सी ऐसी गुलाई वाली है दीवार, इधर हो चुका है। इधर इसमें कुंदन लगा दी क्योंकि ये अगली जो बाउंड्री उठेगी उसमें काम आएंगे ये पकड़ने के लिए, ऐसा खिंचाव के लिए। इधर पलस्तर रह गया है अभी क्योंकि वो जो अपना इधर वाले जो टीन सेट था जिसमें डिस्कवर गाड़ी खड़ी रहती थी और डिस्कवर गाड़ी पंखा रखा रहता था वो वाला जो सामान रहता था ना वो वहाँ पर वो भी सब टूट टाट दिया। उसमें भी अब उसको अपन क्या कर रहे हैं और ऊंचा कर दे रहे हैं क्या, ताकि उसमें अपना ट्रैक्टर ट्राली सब कुछ चल जाएगा। इधर गैरेज बन जाएगा ये ऊंचा वाला, वो जो दिख रहा है ना दीवार ज़्यादा उठ रही वो देखो। बाकी मैं आगे जाऊंगा तब आगे का बता दूंगा, और वो और ऊंचा उड़ जाएगा। और इधर से भी ऐसी जो सेम रास्ता है ना वो इस साइड से भी आके वैसी बन जाएगी, दोनों साइड से बन जाएगी बढ़िया। और फिर आते हैं अपन इस साइड, तो जो कि हमने सब सामान इधर पीछे भर कर रखा है, देखो ये भूस भी निकाल कर रख दिया पीछे, कोठी उन भी कोठी तो खैर रखी जाए बहुत दिन से। ये पूरा सामान जो रेत थी अपने, रेत भी ख़त्म हो चुकी है, तो दो ट्राली रेत और बुलवा ली अपन ने, एक ट्राली वो पड़ी और एक ट्राली उधर आगे पड़ी है जहाँ पर बादाम थी अपनी। बाकी इधर देखो तो अपने जॉनडियर भी अब काम पे आ गया है, ये देखो कहाँ गया, ये इधर से सब ये गीला हो रहा है, ये पानी गिर रहा है इसमें से, ये देखो सब गीला हो रहा है। इसमें कुछ दिक्कत आ गई शायद, वो जो पाइप रहता है वो बड़ा सा वो फूट गया शायद, वो जहाँ पर कसते हैं ना वहाँ से शायद चिटक गया है। ये रेता हो गई अपनी ख़त्म, यहाँ पर भी अब देखो 2-3 ट्राली मट्टी भराएगी जब जाके लेवल में आएगा, नहीं तो ये गड्ढा बन जाएगा पानी आता रहेगा इसमें। और बाकी सब सब सामान अपने रखा ही है इधर। अब मैं जो बता रहा था कि अपने जो इधर वाली जो किचन है ना कच्ची वाली ये सामने, ये भी अब तोड़ के इसको अपन ऊंचा करके और बढ़िया से एक शटर वाला और इधर बना देंगे, इधर गैरेज हो जाएगा, इस साइड भी अपना गैरेज वो बन ही रहा है जो कि है वो जो टीन वाला है ना, टीन वाला ऐसा मतलब उस साइड भी था ना वो वाला बन जाएगा। किच्ची की जिन अपन एक रख रहे हैं वो कि उस साइड की है, बाकी इधर नहीं रख रहे हैं। ये वाला है अपने पास एरिया, ये वाला उधर बड़ा हो जाएगा, और ये वाला जो कच्ची किचन है ये ऊंचा होकर उस लेवल का आ जाएगा, और ये बन जाएगा अपना वो क्या बोलते हैं गैरेज एक। और बाकी आगे चल के दिखाता हूँ, देखो सामान इतना बिखरा पड़ा हुआ है। बाकी मैं इसकी बात कर रहा था कि ये वाला जो शटर वाला है, ये वाला शटर वाला, इसमें ट्राली और सोयाबीन रखी जो कि बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि इधर काम चलेगा, ये सब सिस्टम ये सब ऊंचा हो जाएगा। बाकी ये टूट के पूरा ये इतना ऐसा बन जाएगा, मतलब ऐसा इतना लंबा नहीं बनेगा, इतना यहीं तक बनेगा और ऊंचा बन जाएगा अच्छा। तो बढ़िया इसमें अपना सिडिल कल्टीवेटर ट्राली ये सब रखा जाएंगे, आगे चल कर 4-व्हीलर ले ली तो इसमें रखा जाएगी वो। बाकी ये तो इतना ही रहेगा, ये उस साइड वाला ये वाला सीन ये पूरा ऊंचा हो जा रहा है, इसमें ट्रैक्टर ट्राली सब चल जाएगी और प्लस ग्राउंड में भी भर्ती अब डलेगी क्योंकि अपना रोड हो चुका है ऊंचा, तो गेट भी अपना ऊंचा टंग जाएगा वहाँ पर, जो खिल्ले दिख रहे हैं ना ऊपर वाले
वहाँ ठोका जाएगा, बाकी इसमें भी और मुरम डल जाएगी, इतना काम होने वाला। और जो ग्राउंड में भी पूरी मुरम प्लस ये सीन ऊपर, अब बाकी देखते हैं कब तक काम चल रहा है कब तक नहीं। तो भाई काम हो चुका अपना कंप्लीट, अभी इधर मतलब आज का काम हो चुका है जो भी था। इधर देखो कितना ऊपर उठ गया, ये पहले यहीं तक था, इतना और उठ गया वहाँ तक का, बाकी इतना सीधा बन जाएगा तो मैं ट्रैक्टर ट्राली बढ़िया से खड़ा हो जाएगा। ये देखो पूरी बाउंड्री, ये एरिया पूरा जहाँ पर बादाम थी अपनी, ये दिख रहा है यहाँ बादाम थी, तो यहाँ तक आगे यहाँ पर प्लो रखा था ना, इतनी जगह बन जाएगा। इधर से पीछे जाने की रास्ता भी बन जाएगी जैसे मटेरियल हटने के बाद। गिट्टी तो इतने अपन को लग रहा है दो ट्राली वाला लाना पड़ेगा, लेकिन इतनी जो बची हुई है अभी तो। बाकी ये कारोबार पड़ा है अपना पुराना वाला मॉडल, सब पुरानी मोटर साफ्ट टापलिंग पड़ी है न्यू हॉलैंड की दोनों, ये पुराने सिडिल का ये सब सिस्टम, ये देखो कवेलू। यहाँ हमने ट्राली कुदा दी थी, देख रहे हो ये ट्राली की चक्री है, जब हमने ईंट उतारी थी ना तो धस गई थी यहाँ पर, तो ये वो वाला सीन है। बाकी चलो इधर ट्रैक्टर जॉन डियर लेके चलते हैं आगे। बाकी इधर टीन है, सामान पड़ा हुआ है इधर, अरे रस्सी टूट जाएगी, ये रखी नई वाली सिडिल, ये पुरानी वाली पटेल वाली। ये इधर भूस पटक दिया, उसको पाला ढक दिया ताकि पानी आनी थोड़ा बहुत आए तो वो गीला नहीं हो आराम से। और ये बाकी जो अपना सामान था वो यहाँ पर पटक दिया जो उधर वाले कमरे में रखा था। ये देखो इधर ट्रैक्टर खड़ा है, ये भी अब सिवनी जाएगा, एक दिन इसको ले जाना पड़ेगा। सामान तो अपना सिवनी का सब आ चुका है, सामान नहीं आया मतलब, ये पूरा यो जो वाला कारोबार है ना, ये वाला ये पूरा खुलेगा, ये अंदर का इधर पूरा खुलेगा, इसके अंदर जो सामान, एक मिनट, ये इसके अंदर जो सामान था वो हमने पूरा खाली कर दिया। ये देखो यहाँ पर हम लोग कोठा कोठी, यहाँ पर टेबल रखा था, यहाँ पर सब सामान रखे थे, कूलर वगैरह वो सब सामान निकाल के उधर बाहर फेंक दिया, उधर वो कमरे भी उनके भरे हुए हैं। तो बाकी इधर अपन को और ज़मीन डलेगी इसमें, इधर देखो जो साइन खड़ी हुई है अपनी, ट्रैक्टर और न्यू हॉलैंड बहुत आगे खड़ा हुआ है, ये देखो लाइट चालू करने दो एक मिनट, ये इतना आगे खड़ा हुआ है। बाकी अपने जो गेट है उनके हाइट और बढ़ जाएगी, जो जो सरियाँ लगे ना ये ऊपर तार वहाँ पहुँच जाएगी, जो ठुकई वाली ये वाला पट्टा वहाँ पहुँच जाएगा, तो ऊँचे हो जाएगी इतने इतने समझ लो, ये टायर से लेकर यहाँ तक इतने ऊपर हो जाएंगे, लगभग एक बिटा चार पाँच इंच का राउंड। बाकी इनमें भट्टी भरा जाएगी और मुरम डल जाएगी इनमें बढ़िया से। ये देखो जो जो डाउन एरिया है ना, जो अपना रोड से नीचे आ गया आप घर, पहले बहुत बहुत घाट था यहाँ पर, पहले बहुत ज़्यादा घाट था, रोड पूरा डाउन था, और तो उसमें फिर ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत पड़ती थी, लेकिन अब क्या है कि अब रोड ऊँचा हो गया, घर नीचा हो गया, इस वजह से अपन को इसमें भर्ती डालना पड़ेगा। बाकी सीमेंट अभी इतनी पड़ी हुई है, ये शटर नहीं लगाई, ये भर्ती भर जाएगी, प्लस इधर सब ये पूरा एरिया इसमें भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा वर्क, और ये तो चल ही रहा है, यहाँ पहले कितना पेक पेक लगता था, ये किसी वो अपने वो थी जहाँ पर भैंस भूस खाती थी, क्या बोलते हैं अगवान, वो भी सब खोल खाल के रख दी। ये वाली पुरानी है अपनी, पुरानी वाली, ये सब नया है माल यहाँ से। बाकी एक ट्राली ये पड़ी, एक ट्राली पीछे पड़ी थी तो वो पीछे लग गई है काम में,
यहाँ तक डल जाएगी टीन शेड, इसके सामने तक मतलब अराउंड यहाँ तक आ जाएगी ऊंची ऊंची ऊपर उतने लेवल में, ताकि ट्राली ट्रैक्टर अपना समंदर को जा उस हिसाब का बनेगा ऊंचाई। लेकिन वो वाला सिस्टम जो है ना वो अपना पूरा ऊपर होएगा, ये वाली जो किचन है अपने जिसमें कंडा वगैरह रखे रहते ये इसका ऐसा सेम टू सेम उतनी इस जगह में, उतने थोड़ा बहुत इधर आ जाएगा वहाँ पर बना देंगे गेरी जापन, ये ऐसा सेम टू सेम शटर लगा के बढ़िया से उसमें अपना ट्रैक्टर या फिर ट्राली या कुछ भी मतलब और जगह बन जाएगी अपने पास ट्राली वगैरह लगाने की। अपने पास जगह अभी सिर्फ दो शटर वाले हैं, अगर वो शटर वाले उनमें भी अनाज पड़ा रहता तो ट्राली की जगह नहीं बचती, वो वहाँ लगाना पड़ता फिर ट्रैक्टर वाली जगह पे, तो वहाँ पर पूरी ट्राली लग नहीं पाती और फिर पानी भी जाता है उनमें। इसी वगैरह से एक सिस्टम उधर बना देंगे और यहाँ पर तीन बन रहे हैं, 1 2 3 तो इनमें भी हो जाएगी। तो चलो बाकी वर्क चल ही रहा अपना, बाकी हम मिलते हैं सीधे सुबह। तो भाई अभी आया हूँ मैं खेत में, आज अगला दिन और देखो अपने गेहूँ में उंगली लग गई और ये चल रहा है इसमें पानी, इसमें पानी हो चुका है, इधर हो गया वो उधर आगे से चल रहा है उधर वाले डबरे में नीचे तक। बाकी गाड़ी लेकर आया हूँ मैं ये वाली, और जो नई वाली बुलेट है उसको ढोके कर दी है, वो जा रही है आज बाहर, साथ में उसकी सर्विसिंग भी हो जाएगी पहली, और हो सके तो उसमें साइलेंसर भी डल के आ जाएगा। उसमें मन है मेरा कि शॉर्ट पंजाबी डलवा दे, इसमें लॉन्ग पंजाबी है उसमें शॉर्ट पंजाबी डलवा देते बढ़िया चलेगा। ये लॉन्ग का मुझे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है क्योंकि एक तो इसमें तीन बैठ के जाएंगे ना तो ब्रेकर पर टकराएगा, ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है इसका, गाड़ी से भी लंबा इस वजह से ये टकराता है नीचे। बाकी अपना काम तो चल ही रहा है घर पे, आज जो अपना काम था वो जो टीन इन उतारना था वो काम अभी रुक गया है आज, बाकी कल से वो भी शुरू हो जाएगा। बाकी अभी आया था मैं खेत में घूमने जरा, मतलब लाइट आइट भी है वो देखो चल रही दिख रही वो सामने वो, और इधर अंदर मोटर चल रही है अपनी, मोटर उस साइड चल रही है वो वहाँ पर, गेहूँ में तो दिखाई ही नहीं यार, वो वहाँ पर जो पाइप निकले ना वहाँ पर चल रही। बाकी चलो घर चलते हैं, हम खाना पीना खाएंगे उसके बाद मिलते हैं। विदाउट रेस ही ये गाड़ी आगे मुड़ जाती है, अब मेरे हिसाब से ये इसको नीचे उतर जाएगी ये। चल चल ये देखो बढ़िया एक नंबर में, इतनी रेस है इसमें कि आप बिना पैर टेके आप गाड़ी चला सकते हो। ये दूसरा डालता हूँ, दूसरे में थोड़ा सा झटका खा रही है, चल रही है बढ़िया। ये देखो चढ़ा लाया, अभी कोई रेस नहीं है, ये देखो दो नंबर में रेस है 20 की, अब डालता हूँ तीसरा गियर, ये तीसरा डाल दिया। दचके वाला रोड है इस वजह से थोड़ा ये चल रही मोटर, दचके वाला रोड है इसलिए थोड़ी सी खिचक खिचक कर रही है। और चौथा अब 20 से 22 की रेस हो चुकी है, झटके मार रही है गाड़ी क्योंकि दचके वाला रोड है। बाकी देखो कोई रेस नहीं है, बाकी चलो मिलते हैं सीधे घर पे खाना खाने के बाद।